तो आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैं एक बुलबुल का बच्चा कौवों से बचा के लाया था जिसके पंख में चोट लगी थी और पाँव में भी चोट लगी थी, इसलिए पहले हमने उसके लिए घोंसला बनाया और उसके बाद उसका घर पे ट्रीटमेंट किया ताकि उसका पंख और पाँव दोनों ठीक हो जाए। हमने बहुत कोशिश की इसे खाना खिलाने की, पर इसने पहले खाना नहीं खाया, पर आखिर में इसने खाना खा ही लिया था। हम डेली इसकी एक्सरसाइज भी कराते थे और डेली इसको साफ़ सुथरा भी रखते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसा आपको पता है, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और अगर जो कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपने आप उड़ने लग गई है। तो अब ये 2 हफ्ते की हो गई है, इसके पंख और पाँव में जो चोट लगी थी वो अब ठीक हो चुकी है और ये पूरे घर में उड़ती रहती है। वो तो फिर उड़ गई। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा टेरिस गार्डन है, ये यहीं पर घूमती रहती है, इसे यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, आज मैं आपको बुलबुल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। बुलबुल शाकाशाही गण के पिकनोनटिडी कुल की पक्षी है। भारत में पाई जाने वाली बुलबुल की कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं गुलदुम बुलबुल, सिपाही बुलबुल, मछरिया बुलबुल, पीला बुलबुल, कांगड़ा बुलबुल। यह पक्षी अपनी मीठी बोली के लिए नहीं बल्कि लड़ने की आदत के कारण शौकीनों द्वारा पाली जाती है। यह उल्लेखनीय है कि केवल नर बुलबुल ही गा सकता है, मादा बुलबुल गा नहीं पाती है। बुलबुल कलचौहे भूरे, मठमैले या नंगे पीले और हरे रंग के होते हैं और अपने पतले शरीर, लंबी दुम और उठी हुई चोटी के कारण बड़ी सरलता से पहचान लिए जाते हैं। विश्व भर में बुलबुल की कुल 1,700 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कीड़े मकोड़े और फल फूल खाने वाले पक्षी हैं। कई फॉरेस्ट स्पीशीज को ग्रीन बुल भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के मेजॉरिटी एरिया में तथा मिडल ईस्ट ट्रॉपिकल एशिया से इंडोनेशिया और नॉर्थ में जापान तक पाए जाते हैं। कुछ डिफरेंट लैंड स्पीशीज हिंद महासागर के ट्रॉपिकल आइलैंड पर मिलती हैं। इसकी लगभग सभी अफ्रीकी प्रजातियां रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।